यह एसी का कूलिंग कोइल है। यहाँ पर जो ऑयल जमा है इसको हम पहले फ्लेम की सहायता से जलाएंगे। जलाने से डस्ट साफ हो जाता है और प्रेशर देकर हम लीकेज को चेक करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा यहाँ लीकेज है। और अब हम ब्रेजिंग करेंगे, जिसे वेल्डिंग कहता है वो वेल्डिंग करेंगे। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए शानदार वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे हैं कूलिंग कोइल के बारे में। एयर कंडीशनर की जो कूलिंग कोइल होती है दोस्तों, कई बार माने लीकेज होने की वजह से गैस निकल जाती है और बार बार गैस फिलिंग कराने से हमें नुकसान होता है। और उस नुकसान की कैसे भरपाई करते हैं, तो दोस्तों हम रिपेयर करेंगे कूलिंग कोइल को और कैसे तैयार करते हैं पूरा संपूर्ण वीडियो बनाकर हम जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले मेरे वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। यदि दोस्तों आपने मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां लिंक दे रखा है, और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं आपका होस्ट बरुला चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल किसान एयर कंडीशनर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। यह एसी का कूलिंग कोइल है, जहाँ यहाँ पे सारा ये ऑयल जमा हुआ है। ऑयल से हमें पता चलता है कि यह कूलिंग कोइल लीकेज है। यहाँ से भी अगर देखेंगे दोस्तों, तो ये देखो, यहाँ भी ये ऑयल आया हुआ है, जिससे हमें स्पष्ट पता चलता है कि ये लीकेज है। और कोइल काफ़ी सड़ चुकी है और सड़ने की वजह से ये लीकेज भी होती है और बहुत डस्ट आई हुई है। अब हम यहाँ जो पाइप है, इस पाइप को गर्म करेंगे और इसके अंदर जो भी ऑयल जमा हुआ या एक्स कोई भी कचरा भी होगा, तो वह भी बाहर आ जाएगा। और दोस्तों, ये जो हम साफ कर रहे हैं या पाइप को गर्म कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो उसके लिए जो हमने पहले सेफ्टी गार्ड एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो की आप देख सकते हैं, जिससे कि लो आगे नहीं जाए, फ्लेम आगे न जाए, और उसको कवर करके एसी को बराबर हीट करें, ताकि उसमें गैस कैन की भी गैस कम लगेगी और काम प्रॉपर तरीके से होगा और हीट भी प्रॉपर लगेगी। ये देखिए दोस्तों, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम सेफ्टी गार्ड कैसे बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों, कम लो में भी पूरा लाल हो रहा है। और जरा भी वीडियो को स्किप न करें, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो। ये देखिए दोस्तों, ये कचरा वगैरह जो ऑयल वगैरह जो होता है ना, वो सारा बाहर आता है। जलाने से ये कचरा भी साफ़ हो जाता है और पाइपें भी साफ़ हो जाती। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको दिख रहा हो तो ये यहाँ पर आ रहा है कचरा, ये हम बाहर निकलेंगे और बाहर निकाल कर इसको साफ करेंगे। फिर इसी को वापस वेल्डिंग वगैरह करने का तरीका बताता हूँ दोस्तों। ये यूनियन सेट है इसका, जो हम यहाँ इसको वापस ब्रेजिंग करेंगे। जो आउटडोर से कनेक्ट होता है कॉपर पाइप के साथ। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसको गर्म कर रहा हूँ और वही सेफ्टी गार्ड है, जो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे आप देखें सेफ्टी गार्ड कैसे बनाते हैं। और इससे लो भी कम लगती है और काम फास्ट होता है। कुछ जुगाड़ भी करना पड़ता है दोस्तों, जिससे कि हम अपने काम को इजीली कर सकते हैं। ब्रेजिंग रॉड लेंगे और इसको अच्छे से फ्लेक्स लगाकर हम ब्रेजिंग करेंगे। और अब दोस्तों हम बताते हैं आपको ब्रेजिंग क्या हुआ, कि कैसा हुआ है। और पूरा वीडियो देखें दोस्तों, स्किप न करें, ये टेक्निकल काम है। स्किप करना होता तो मैं खुद वीडियो को छोटा भी बना सकता था, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इसे पूरा देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। किसी प्रकार की कोई हमारे बताए हुए काम से अगर परेशानी होती है या दिक्कत आती है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं और हम हर कमेंट का जवाब भी देंगे।
ये देखिए दोस्तों, ब्रेजिंग कर दिया हमने, और ब्रेजिंग करने के बाद में अब थोड़ा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद में हम बताते हैं। और दोस्तों ये फ्रिज का ही कंप्रेसर लेते हैं प्रेशर देने के लिए हम, ये देखिए, और इसी से हम वैक्यूम भी करते हैं। आप भी फ्रिज का कंप्रेसर लेकर प्रेशर के लिए और लीकेज के लिए देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर ऑयल आ रहा है, जो आप देखो यहाँ पर लीकेज है, आपको एयर की आवाज आएगी। यहाँ पर लीकेज है जो हमें साफ सुनाई देता है। और अब इस को हम ब्रेजिंग करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि हम कैसे इसको करते हैं। अब प्रेशर के बाद में जैसे दोस्त आप यहाँ पर इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, इससे पता चल गया दोस्तों कि यह लीकेज है। और इससे पहले हम ब्रेजिंग करेंगे, तो ब्रेजिंग करने से पहले दोस्तों ये देखिए आप, बहुत सारा धुआं हो रहा है, तो हम पहले दोस्तों ऑयल को जलाएंगे। यहाँ पर जो ऑयल लगा हुआ है, एक ब्रेजिंग करके देख लेते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम ऑयल को जलाएंगे। कूलिंग कोइल पे जितना भी ऑयल लगा हुआ है उसको, जिससे कि ये साफ़ हो जाएगी और हम अच्छे से इसको सही कर सकते हैं। अब हम इसका पूरा ऑयल जलाएंगे दोस्तों, जिससे कि हम ब्रेजिंग आराम से कर सकते हैं, वेल्डिंग आराम से हो जाएगा और साफ दिख भी जाएगा। नहीं तो क्या होता है कि धुआं होता है, फॉग ज़्यादा होता है, तो फॉग ज़्यादा होने की वजह से हमें दिखाई भी नहीं पड़ता है और अच्छे से वेल्डिंग भी नहीं होता है। और ये ऑयल जलने की वजह से एक अलग ही आग बीच में आती है, जिससे कि हमें काम करने में दिक्कत होती है। यहाँ से बबल्स हो गए दोस्तों, प्रेशर दिया हमने और पूरा बबल्स वगैरह देख कर हम इसको वापस वेल्डिंग करेंगे, जिससे कि लीकेज ख़त्म हो जाए। और लीकेज ख़त्म करने के बाद में दो कूलिंग कोयले हैं दोस्तों, तो दोनों तैयार की हुई हम दिखाएंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा ना बनाएंगे, इसलिए हम दिखा रहे हैं आपको कि अब हम इसको वेल्डिंग कर रहे हैं, और वेल्डिंग करके सारा अच्छे से आपको दिखाएंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंचती रहे और ये सारी जानकारी आप लोगों तक मिलती रहे। दोस्तों हम रियल टेक्निकल काम करेंगे और वो आपके सामने लाएंगे, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी वगैरह मिलती रहे। ये कूलिंग कोइल वेल्डिंग हो चुकी है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं भी काफ़ी ऑयल वगैरह है। और ये देखिए दोस्तों, हमने जो ये ब्रेजिंग किया वो सारे हम दिखा रहे हैं। कूलिंग कोइल भी साफ़ हो गई और सारे ये खुले खुले दिख रहे हैं। यहाँ से किया था हमने, और जितने जॉइंट किए वो सारे जॉइंट दिखा देता हूँ मैं दोस्तों। जैसे हमने एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, और संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको लगे कि हम कुछ काम कर रहे हैं। और आपको अगर कुछ सजेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये बैंड भी हमने वेल्डिंग किया था, और ये कैप होती है दोस्तों सेक्शन की, तो सेक्शन की जो कैप होती है इसको भी हमने पूरा ब्रेजिंग किया था, जिसे वेल्डिंग बोलते हैं। नए नए जो मेरे मिस्त्री भाई हैं वो वीडियो को अच्छे से देखें और आप काम सीख सकते हैं दोस्तों। और भी अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सारे ब्रेजिंग किए हमने दोस्तों, और जो जो कोयल हमने तैयार की उन दोनों कोयलों का मैं आप भी आपके सामने लाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, ये सारे वेल्डिंग हमने किए थे, ये दोनों कूलिंग कोयल हैं और हमने तैयार किए दोनों में। यहाँ पर भी ये ब्रेजिंग किया हमने, जो आप देख रहे हैं, ये दोनों कूलिंग कोयल हैं दोस्तों। और भी अगर कहीं कोई लीकेज हो और किसी प्रकार का हो, तो जहाँ तक संभव हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना, हम आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे, जो कि आपकी हेल्प करेगी
और आपको मदद मिल सके। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया दोस्तों, इतनी मेहनत की है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ये देखिए दोस्तों, ये भी हमने किया था और आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए हमने ये वीडियो बनाते हैं दोस्तों, जिससे कि अगर कोई हमारा टेक्नीशियन भाई सीख रहा है काम तो वो आराम से सीख सकता है। और ये हम दोनों कूलिंग कोर तैयार करके आपके सामने ये रख रखी है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने कितनी मेहनत करके आपके सामने सारे लीकेज लेकर आए, उस लीकेज को ख़त्म भी किया है दोस्तों। हम फ्रिज वाला कंप्रेसर यूज़ में लेते हैं और प्रेशर देते हैं दोस्तों। इतनी मेहनत करने के बाद में इतना तो फर्ज बनता ही है आपका कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन और संपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। और मैं ऐसे ही मेहनत करके आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूं और संपूर्ण जानकारी देता रहूं, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम के बारे में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को, नए नए टेक्निकल फंडे हम लेकर आते रहेंगे और हम संपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।